दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, छपरा में एसपी ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध वसूली में महिला एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी अरेस्ट किए गए। छपरा शहर से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बालू लदे ट्रैक्टर से अवैध वसूली करने के मामले में एसपी ने सख्त कार्रवाई करते हुए महिला एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मियों को जेल भेज दिया है। मुफस्सिल थाने में पुलिस अधिकारी, गश्ती गाड़ी के चालक एवं जवान पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एसपी डॉक्टर गौरव मंगला ने बताया कि बालू लदे ट्रैक्टर को रोककर मुफस्सिल थाने के गश्ती दल के द्वारा अवैध वसूली की जा रही थी। बड़ी खबर, ओवैसी की पार्टी की आंखों में चुभ रहे थानों में बने मंदिर, कहा कि हो रही हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी। पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी है। बिहार समेत देश के अन्य राज्यों के थानों में बने मंदिरों और सरकारी कार्यालय परिसरों में मूर्ति पूजन पर ओवैसी की पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने थानों में पुलिस कर्मियों की ओर से छोटे मंदिर बनाए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। अख्तर ईमान ने कहा कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की तस्वीरें सामने आ रही है, यह देश के लिए ठीक नहीं है। इस देश में एकता और भाईचारा बना रहना चाहिए। बड़ी खबर, जेडीयू नेता एवं पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य प्रमोद सिंह चंद्रवंशी बीजेपी में हुए शामिल। नीतीश सरकार पर जमकर बरसे। भाजपा के केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली में समता पार्टी के संस्थापक सदस्य 3 बार जेडीयू से चुनाव लड़े हैं। 3 बार अति पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रहे प्रमोद सिंह चंद्रवंशी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी राष्ट्रीय महासचिव एवं बिहार के संगठन प्रभारी विनोद ताबड़े ने एक समारोह में सदस्यता ग्रहण करवाया। ताबड़े ने कहा कि नीतीश कुमार रास्ते से भटक गए। अपने नीति सिद्धांत ताक पर रखकर जिसके खिलाफ पार्टी का निर्माण किया था, उसी लालू यादव से मिल गए। ताबड़े ने कहा कि प्रमोद सिंह चंद्रवंशी ने पीएम मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर सदस्यता ग्रहण किया है। बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान को लेकर खूब चर्चा हो रही है। पटना में बिहार म्यूजियम के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार म्यूजियम को अच्छे तरीके से बनाया गया है और हम कहते हैं कि अक्सर पेपर का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो पृथ्वी के नाश होने के साथ खत्म हो जाएगी। हम तो खुद 73 साल के हो गए हैं, अब जाने वाले हैं। आने वाली जनरेशन के लिए इन सब चीजों को बचाकर रखना है। बड़ी खबर, आज के मुजफ्फरपुर जिले में फेसबुक पर इसके बाद नाबालिग को लेकर फरार हुआ युवक, दोस्तों के साथ मिलकर किया गैंगरेप। मुजफ्फरपुर से एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 13 साल की नाबालिग को उसी गांव के रहने वाले एक किशोर से प्यार हो गया। फिर एक दिन प्यार में अंधा होकर नाबालिग किशोरी लड़के के साथ उसकी बात मानते हुए घर छोड़कर भाग चली। इसके बाद नाबालिग के प्यार का फायदा उठाते हुए जिस्म के भूखे प्रेमी से उसका फोन छीन लिया। करीब 1 माह तक बंधक बनाकर उसके साथ गलत काम किया। इतना ही नहीं, आरोपित ने अपने दोस्त को बुलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद आरोपित के चंगुल से भागकर किशोरी किसी तरह अपने घर पहुंची। इसके बाद मां को सारी बातें बताई। इस मामले में पुलिस का कहना है कि किशोरी का आरोप गंभीर है, मेडिकल जांच कराकर आरोपित पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी खबर, राज्य के सीवर जिले में दहेज न देने पर पति ने पत्नी का करवाया गर्भपात, मार पीट कर घर से बाहर निकाला, मोबाइल पर दे दिया 3 तलाक। बिहार में सीवर के तरियानी प्रखंड के हिरम्मा थाना क्षेत्र के हिरम्मा गांव में दहेज के लिए एक पति ने अपनी पत्नी को 3 तलाक देकर मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया। प्रीतन उसरत जहां ने महिला थाने में पति मोहम्मद मेहताब, ससुर मोहम्मद मंजूर, जेठ मोहम्मद आफ्ताब, नरद मेहनाज खातून और सेनाज खातून सहित 8 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई है। दर्ज प्राथमिकी में नुसरत जहां ने बताया कि 9 दिसंबर 2008 को मोहम्मद मेहताब से उसका निकाह हुआ था। तब माता पिता ने नकदी और आभूषण समेत पर्याप्त उपहार दिए थे, लेकिन इसके बाद भी आभूषण और उपहार की मांग जारी रही। दहेज की डिमांड पूरी नहीं होने पर नुसरत जहां के पति मोहम्मद मेहताब ने फोन पर ही 3 तलाक दे दिया। पड़ीकर, बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को 7 अगस्त को रंगदारी मांगने और बैंक मैनेजर से अभद्रता के मामले में तमिलनाडु से बिहार के बेतिया लाया गया। बेतिया में उन्हें पुलिस पेशी के लिए बेतिया कोर्ट ले गई और जहां कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें बिहार की ही जेल में रखा जाए। तमिलनाडु में चल रहे मामले में मनीष कश्यप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होंगे। दरअसल पेशी के दौरान डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर उमेश कुमार विश्वास ने कोर्ट से एक पिटीशन में अपील की है कि मनीष कश्यप पर पटना में मामला दर्ज है, उसमें भी उनकी पेशी होने के आदेश है, ऐसे में उन्हें बिहार में रहने दिया जाए। इस अपील पर कोर्ट ने मनीष कश्यप को पटना जाने का आदेश जारी किया है। बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में अनिश्चितता पर तंज कसते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन के दलों में सीट बंटवारे में उठापटक तय है। सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी को अपने आवास पर बुलाकर लालू यादव ने उनसे सीक्रेट डील कर ली है और जदयू को किनारे कर दिया है।
कांग्रेस को एक और मंत्री पद से ज्यादा नहीं देने पर अड़े नीतीश कुमार को अब दो मंत्री पद और भी देने के लिए मजबूर किया जा रहा। दो मंत्री पद और पाने का ऐलान बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष पहले ही कर चुके हैं। अब उन्होंने बोर्ड के निगम में भी अपना दावा ठोक दिया है। सब लालू यादव के इशारे पर किया जा रहा। पलिकर मेयर सास पार्षद बहु फिर भी पानी में डूब गया है उनका वार्ड। इंद्र देवता इस कदर राजधानी पटना पर मेहरबान हुए हैं कि पूरा पटना थोड़े से ही बारिश में डूब गया और सास बहु के चक्कर में आम जनता पिसने लगी है। पटना की मेयर सीता साहू के ऊपर पूरे पटना को डूबने से बचाने की जिम्मेदारी है, लेकिन पूरा पटना की तो छोड़िए, उनसे तो अपना घर ही नहीं संभल रहा। बहु श्वेता अपने बाढ़ के इस हालात पर किसके ऊपर ठिकरा फोड़े, उन्हें तो बस न उगलते बन रहा और न ही निगलते। वो अपने बाढ़ की ऐसी स्थिति पर किसके ऊपर अपना गुस्सा दिखाए। इन सब के बीच लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि बिहार सरकार और पटना नगर निगम ने जो बरसात पूर्व जो दावे किए थे कि इस बार पटना को डूबने नहीं दिया जाएगा, तो इस हालात की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार और निगम के दावे सिर्फ घोषणा पत्र तक सीमित है? अभी थोड़ी सी बरसात में पटना स्मार्ट सिटी का हाल बुरा है। बलिकोर जातीय जनगणना को लेकर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया और कहा कि समाज को नीतीश कुमार जातियों में बांटकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। साथ ही कहा कि जो लोग बिहार में जाति आधारित गणना करा रहे उन्हें समाज के बेहतरी से लेना देना नहीं है। जाति आधारित गणना के रूप में अंतिम दांव खेला गया है ताकि समाज के लोगों को जातियों में बांटकर एक बार फिर से किसी तरह चुनावी नैया पार लग जाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार 18 सालों से सत्ता में है, लेकिन आज क्यों जाति आधारित गणना करवा रहे? जनगणना राज्य सरकार का विषय है ही नहीं। सरकार जातिगत जनगणना नहीं सर्वे करा रही है, जनगणना तो केंद्र सरकार का विषय है। सर्वे के रिजल्ट की मान्यता क्या होगी? यह बिहार सरकार को साफ करना चाहिए। बड़ी खबर, देश में अघोषित आपातकाल, देश का इतिहास बदलने की हो रही कोशिश। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है, देश का इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हम मोदी जी या अमित शाह के विरोधी नहीं, बल्कि उनकी नीतियों के विरोध कर रहे। उनके सरकार में आने के बाद जिस तरह से देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा और गरीब और कमजोर लोगों का शोषण किया जा रहा, हम उसका विरोध करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज देश की स्थिति अघोषित आपातकाल वाली हो गई है। जो भी सच बोल रहा या केंद्र सरकार का विरोध कर रहा, उस पर जानबूझकर केंद्रीय एजेंसियों से कार्रवाई करवाई जा रही है। बलिकर बिहार के गया में बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम का विरोध जारी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अब बिहार में होने वाले कार्यक्रम से पहले अलग अलग तरह का विरोध झेलना पड़ रहा। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार में 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच बिहार के गया में कार्यक्रम शेड्यूल किया गया है, जिसमें भागवत कथा और गरुड़ पुराण किया जाएगा। इसी कार्यक्रम का गया में पूजा पाठ करने वाले पंडा विरोध कर रहे। यहां के पंडा इस कार्यक्रम को 29 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच नहीं रखने की अपील कर रहे। उनका कहना है कि बागेश्वर धाम के कार्यक्रम के दौरान यहां पर लाखों लोग आएंगे, ऐसे में पंडों की पूजा पाठ पर प्रभाव पड़ेगा। पंडों का कहना है कि पूरे साल में सिर्फ यही वह समय है जिसमें उनकी ठीक ठाक आमदनी होती है। पलिकर जाति आधारित गणना में खरवार जाति का मामला गरमाया। बिहार एसटी आयोग के अध्यक्ष पहुंचे कैमूर। बिहार के कैमूर में चल रहे जाति आधारित गणना में खरवार जाति के गणना में कर्मियों के द्वारा खतियान और जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने का मामला पटना अनुसूचित जनजाति आयोग तक पहुंच गया है। तो अनुसूचित जनजाति के बिहार अध्यक्ष शंभु कुमार सुमन कैमूर पहुंच गए। जिलाधिकारी सावन कुमार सहित विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक कर कई निर्देश दिए। आयोग को आवेदन मिला था कि जाति आधारित गणना में कर्मियों के द्वारा खरवार जाति के लोगों से खतियान और जाति प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है। बलिकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीन पर अवैध कब्जे के बढ़ते मामले और पुलिस की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई है। जनता दरबार में सबसे अधिक मामले जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर आए हैं। कई मामलों में पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने की शिकायतें आई है। दहेज हत्या के भी कई मामले सामने आए हैं, इसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने की लोगों ने शिकायत की है। बड़ेखर यूट्यूबर मनीष कश्यप का जेल में अब मेनू बदल जाएगा। अब उन्हें इडली सांभर नहीं बल्कि रोटी चावल खाने को मिलेंगे। मनीष कश्यप को तमिलनाडु से हाल ही में बिहार लाया गया है। बेतिया कोर्ट में उनके खिलाफ दायर दो मामले में सुनवाई हुई और पटना में सुनवाई हो रही है। बेतिया में मनीष कश्यप के खिलाफ कुछ अन्य मामले भी चल रहे, साथ ही पटना में भी केस दर्ज है। उन्हें बिहार में ही रखा जाएगा, जबकि तमिलनाडु के केस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। तमिलनाडु जेल में मनीष कश्यप को इडली सांभर और दक्षिण भारतीय भोजन खाने को मिलता था, लेकिन अब उन्हें बिहार की जेल में रोटी चावल ही खाने को मिलेगा। यूट्यूबर मनीष कश्यप के बिहार में बड़ी संख्या में समर्थक हैं। तमिलनाडु से पुलिस उन्हें ट्रेन से बिहार लेकर आई है। बलिकर, अब राज्य में स्कूलों में 75% उपस्थिति होगी अनिवार्य। बिहार बोर्ड ने जारी किया आदेश। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अपडेट है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अब स्कूलों में 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। जहां पहले रोज स्कूल आए बिना ही परीक्षा देने का मौका मिल जाता था, वहीं अब बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स 75% उपस्थिति होने के बाद ही वार्षिक परीक्षा में शामिल हो पाएंगे।
बिहार बोर्ड ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, जिला शिक्षा कार्यालय और प्राचार्य को आदेश जारी कर दिया है। दरअसल जुलाई में स्कूलों के निरीक्षण में पाया गया कि 10वीं और 12वीं के ज्यादातर स्कूलों में उपस्थिति केवल 10 से 15 प्रतिशत रहती है। उपस्थिति की बाध्यता न होने की वजह से स्टूडेंट्स स्कूल आए या न आए, लेकिन उन्हें बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल जाता था। इस वजह से कई स्टूडेंट्स क्लास की जगह ट्यूशन के जरिए ही तैयारी करते थे। हालांकि अब CBSE और ICSE बोर्ड की तरह ही बिहार बोर्ड में भी 75% उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार बोर्ड सचिव के निर्देश के बाद इंटर और मैट्रिक स्कूलों में उपस्थिति पर सख्ती भी बढ़ा दी गई है। अभिभावकों को इस संबंध में शपथ पत्र भी देना होगा। बिहार बोर्ड ने शपथ पत्र का फॉर्मेट सभी स्कूल को भेज दिया है। अभिभावकों को शपथ पत्र में यह लिखना होगा कि उनके छात्र नियमित स्कूल जा रहे, अगर उनके स्कूल में 75% उपस्थिति नहीं रही और बोर्ड एग्जाम में बैठने से रोका गया तो इसके लिए अभिभावक खुद जिम्मेदार होंगे।